जमात इस्लामी हिंद भैंसा की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इलियास अहमद राहिल अमीर मुकामी जमात इस्लामी और रुकन सैयद सरफराज ने कहा है कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुख्तलिफ शोबे जात में मुलाजिमत के मौके फराहम किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे अहम शोबा महकमे पुलिस है। नौजवानों को पुलिस में भर्ती के लिए जमात इस्लामी की जानिब से 7 मई बरोस हफ्ता माहरीन की निगरानी में रहनुमाई के लिए तरबियत इजलास मुनक्द किया जा रहा, जिससे इस्तफादा के लिए भैंसा डिवीजन के तमाम मंडलों मधुल बासर तानूर कोहिर कंटाला लोकेश्वरम नरसापुर के ख्वाहिशमंद तलबा से भैंसा जमात इस्लामी मरकज पहुंचकर इस्तफादा की ख्वाहिश की गई। इस मौके पर मुबीन अहमद फिरदोसी अफरोज खान बरकत अली व दीगर मौजूद थे। पुलिस रिक्रूटमेंट के लिए और ग्रुप वन के लिए नौकरियां जारी में जमात इस्लामी तेलंगाना ने महसूस किया कि सरकारी मुलाजिमतों में खसूस पुलिस डिपार्टमेंट में मुसलमानों की नुमाइंदगी ना के बराबर है, लिहाजा जमात ये चाहती है कि मिल्लत के नौजवान तलबा नौजवान इस नोटिफिकेशन से भरपूर फ़ायदा उठाए। इसी जिम्मन में हर यूनिट पर एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम मुनक़द किया जा रहा है। तो इसी सिलसिले में भैंसा जमात इस्लामी की जानिब से 7 मई दोपहर 3 बजे दफ्तर जमात इस्लामी कोरबागले में एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम मुनक़द होगा, जिसको माहरीन तुलबा की रहनमाई करेंगे, जिसमें नवाब हुसैन साहब साजिदा सदर इसाइयों ऑफ इंडिया के अलावा जनाब ताजुद्दीन साहब BSC रिटायर्ड और अजमतुल्ला खान साहब रिटायर्ड BSC और इसके अलावा मूसा बिन इब्राहिम साहब रिटायर्ड कमांडेंट ऑफ पुलिस और अनवर मुद्दा साहब IPS तलबा की रहनुमाई करेंगे। मैं इस मौके पर इस ग्रेट मीट के जरिए से तलबा से ये ख्वाहिश करता हूँ, खूस शायद भैंसा के तलबा और अदरा परखना के तलबा जो पुलिस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो इस ओरिएंटेशन से इस्तेफादा करें। इंशाल्लाह 7 तारीख को यहाँ पर ये ओरिएंटेशन मुलाकात कर मिला है। इसके अलावा जैसा कि तमाम तर तफसीलात आपके सामने आ चुकी हैं, इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के ज़रिए से हम भैंसा अतराफ और अकनाफ के तमाम तलबा और तालिबात जो इन तमाम मुजात में दिलचस्पी रखते हैं या जो अपने दरख्वास्तें दाखिल किए हैं, तो इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के ज़रिए से उसके बाद एक तेलंगाना की सतह पर इन तमाम बैक आइडेंटिटी टेस्ट पर रखा जाएगा। बिलखसूस जो सब इंस्पेक्टर या उसके लिए जो रख रहे हैं, तो इसमें तलबा और तालिबात को रियासती सतह पर 100 दिन का एक कैंप रखा जाएगा, यानी आइडेंटिटी टेस्ट में जो लोग कामयाब होते हैं जो टॉपर्स आते हैं उनके लिए एक कैंप रखा जाएगा, जिसमें माहिरीन की निगरानी के जरिए भी मुफ्त काम रिहाइश के जरिए तमाम तर इनकी तरबियत फराहम की जाएगी। इसके अलावा कांस्टेबल में जो भर्ती लेने के लिए ख्वाहिशमंद तलबा हैं उन नौजवानों के लिए भी एक ज़िले सतह पर अलग अलग कैंप बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर भी इन कैंपों में इनको भिजाया जाए। तो मज़ीद तफसीलात 7 तारीख के प्रोग्राम में आएगी। तो हम इस मौके पर भैंसा डिवीज़न के तमाम कबीर पार्टी भैंसा मुधोल तानूर ये तमाम जगह के तलबा और तालिबात से ख्वाहिश करते हैं कि वो इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में शिरकत करें और इससे इस्तेफादा हासिल करें, और मज़ीद तफसीलात के लिए वो दफ्तर जमात इस्लामी या उसके अरकान से रब्ता कायम कर सकते हैं।